Assalamu alaikum friends and dear students, welcome to our channel Math Study WB. In this video we will discuss about some important full forms. Number one, teacher. Teacher के full form में उनकी सारी खुशियतें शामिल हैं, जैसे T for talented. एक teacher में talented भी होते हैं, ज़हीन होते हैं. E for educated. एक teacher तालीम याफ्ता भी होते हैं. A for adorable, एक टीचर काबिल तारीफ़ भी होती हैं कि लोग उसकी तारीफ़ करते हैं. C for charming, एक टीचर खुश मिजाज भी होते हैं तो इसे चार्मिंग कहते हैं. H for helpful, वो बिलखसूस स्टूडेंट के भी मददगार हैं, गरीबों के मददगार हैं, पड़ोसों के मददगार हैं, यानी वो लोगों की मददगार हैं एक तरह का देखा जाए तो. टीचर में ये होनी चाहिए. E for encourage में करोगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हौसला अफजाई करने वाला भी होना चाहिए, ये इंकरेजर भी होना चाहिए, को एक टीचर होता है तो, यानी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसको उस काम को करवाने के लिए उकसाना भी बहुत ज़रूरी है. कासिम अली शाह की किताब में मैंने पढ़ा कि एक टीचर वो नहीं है जो सिर्फ पढ़ाते हैं, टीचर वो होते हैं जो पढ़ाने के लिए उकसाते हैं, ये असल में टीचर होते हैं. तो आजकल हम लोगों को चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको उसको पढ़ाने में उकसाना भी चाहिए और उसको एक खाब दें क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें, किस चीज़ के लिए पढ़ें, इसलिए उसको एक रास्ता दी जाए. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो काम देना है एक टीचर को देना है. तो ज़रूरी है कि एक बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, वो एक बगैर पतवार के किश्ती होते हैं, उधर जिधर उसको लेकर जाए उधर वो चले जाएँगे. तो चाहिए कि उसको एक मकसद दें. उसी के बाद उसके बाद होता है आर फॉर रिस्पॉन्सिबल. एक टीचर ज़िम्मेदार होते हैं, वो खुद के ज़िम्मेदार होते हैं, स्टूडेंट्स के ज़िम्मेदार होते हैं, आसपास के ज़िम्मेदार होते हैं, एक ज़िम्मेदार इंसान भी वो होते हैं. तो ये टीचर की सारे खसूसियत हैं उसकी फुल फॉर्म्स में छुपे हुए हैं. तो फुल फॉर्म से याद कर लेने की बात नहीं है, फुल फॉर्म को समझना भी है कि उसमें क्या कहना चाहता है. तो स्टूडेंट, अब मैं बताऊँ कि स्टूडेंट किसे कहते हैं, ये उनकी फुल फॉर्म अगर याद कर लें, उनका फुल फॉर्म को समझ लें, तो शायद हम स्टूडेंट बनने के काबिल हो जाएंगे. वरना अगर ये सारी खसूसियत नहीं है तो स्टूडेंट कहलाने की भी लायक नहीं है. नंबर एक जो हम लोग उसका देखते हैं लेटर, वो होता है एस. एस फॉर क्या है? स्टडी का मतलब पढ़ना. एक स्टूडेंट सिर्फ एडमिशन कर ले या एडमिशन करवा दे, वो अपने आप को स्टूडेंट बोले और पढ़ाइए ना करें, ये किस किस्म का स्टूडेंट है? स्टूडेंट का पहला काम होता है, पहला फ़र्ज है उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, ये उसकी प्राइमरी चीज़ है, पहली चीज़ है उसको पढ़ना है सिर्फ. उसके बाद आता है उसका दूसरा लेटर है, उसके बाद लेटर टी मीन्स यानी टी फोर होता है ट्रूथफुलनेस, सच्चापन. एक स्टूडेंट के साथ सच्चापन भी होता है, यानी उसको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, वो बिलखसूस कुछ भी हो जाए उसको सच हर हाल में बोले. अब ऐसी बात नहीं है कि एक स्टूडेंट अगर झूठ बोलते हैं तो वो बहुत आगे चले जाते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है, सच्चाई का सहारा लें. उसके बाद का लेटर है यू फॉर यूनिटी, इतिहाद, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, ये स्टूडेंट की जो ड्यूटी है ये भी होनी चाहिए. और इनमें से बिलखसूस और एक आता है डी फॉर डिसिप्लिन. विदाउट डिसिप्लिन एक स्टूडेंट जो है वो बेमाना होते हैं. स्टूडेंट बनना या स्टूडेंट कहना ही सबसे बड़ी बात नहीं है कि स्टूडेंट है हम. स्टूडेंट की सबसे जो ख़ास बात है वो है उसकी डिसिप्लिन मेंटेन्स, पाबंदियाँ, किन किन चीज़ों से उसको पाबंद रहना चाहिए, किन किन चीज़ों पे उसको पाबंदी करनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. रिस्पेक्ट कब किसके होना चाहिए, किन लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, किन लोगों की मदद होनी चाहिए, किन के सामने उठना चाहिए, किन के सामने बैठना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए. ये अगर वो चीज़ भूल जाते हैं तो फिर स्टूडेंट में वो अधूरा पढ़ने जाते हैं. उसके बाद का लेटर है ई फॉर एनर्जी, एक बच्चों में जोश व खरोश भी होनी चाहिए, पढ़ने के लिए ताकत भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आलसी होते हैं
तो वो फिर स्टूडेंट कामयाब नहीं होते हैं, उसके अंदर एनर्जी होना चाहिए। उसके बाद का लेटर है एन। एन फिर होता है नेट एंड क्लीन। एक स्टूडेंट को साफ सुथरा भी रहना चाहिए। ये जरूरी है कि नए नए कपड़े पहनेंगे तो साफ सुथरा कहते हैं, कहने का मतलब ये नहीं है इसमें। कहने का मतलब है कि वो अपने आप को साफ सुथरा रखें, जो भी लिबास इस्तेमाल करे, जो भी यूनिफॉर्म इस्तेमाल करे, उसको क्लीन रखे, साफ रखे। लास्ट का जो लेटर है टी, ट्रेजर। यहाँ कहने का मतलब है कि स्टूडेंट खुद में एक दौलत है, खुद में हीरा है, मोती है, ये देश का भविष्य है। ये एक स्टूडेंट में वो ताकत है, स्टूडेंट वो चीज़ होता है, वही स्टूडेंट कल आईएएस बन सकते हैं, वही एक स्टूडेंट कल मिनिस्टर बनते हैं, वही एक स्टूडेंट कल वीडियो बनते हैं, वही स्टूडेंट्स कल मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये स्टूडेंट इसलिए खुद में एक ट्रेजर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ। अब लाइफ को हम लोग क्या समझते हैं, किस तरह से समझते हैं, उसकी फुल फॉर्म से पहले जानते हैं कि उसका फुल फॉर्म क्या बताना चाहते हैं। लाइफ एल, एल फॉर लिव। लिव का माने जिंदा रहना। अब देखिए जिंदा रहना, एक जिंदा इंसान को अगर जिंदा रहना बोला जाए तो समझ लेना कि इसमें कोई फलसफे वाली बात है। जिंदा इंसान को जिंदा रहना बताया जा रहा है, तो किस तरह की जिंदा रहना, हया के साथ, इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानदारी के साथ, ये उसका पहला फुल फॉर्म है। आई, इंटेंसली, शिद्दत से कोई चीज़ को हासिल करना। ये जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ हम शिद्दत से उसको चाहें, लेकिन हाँ उस चीज़ पॉजिटिव हो। एफ फॉर फुलफिल, कोई भी काम करें एकदम फुलफिल करें, ये नहीं कि अधूरा छोड़ दें, करते करते थक गए, लोग क्या कहेंगे, नहीं कर पाए, ये ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। ए फॉर इमोशन, हर एक के ज़िंदगी में इमोशन होती है, इमोशन ज़रूरी है, ये किसी काम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशन शिद्दत इख्तियार कर ले अगर तो समझना वो काम होना ही होना है। तो ये लाइफ जिंदा रहने के मतलब होती है कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो। आपके ज़िंदगी में इमोशन नहीं है तो आपकी वो ज़िंदगी नहीं है। आपके अगर कोई पूरा पूरा काम करने का मकसद नहीं है तो वो ज़िंदगी नहीं है। आपके अंदर शिद्दत नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए, वो ज़िंदगी नहीं है। जिंदा रहना तो जिंदा इंसान को जिंदा रहने के लिए बोला गया है, तो समझ लेना कि ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट ये जी आई एफ, ये वर्शिप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कोई इसको गिफ्ट पढ़ते हैं, कोई इसको जिफ पढ़ते हैं, बता राइट। इसका ये फुल फॉर्म है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये ऐसे नमूना है जिसको हम तब्दील होते देखते हैं, जो फोटो, जो तहरीर हम लोग तब्दीली में देखते हैं, बदलते हुए देखते हैं, तो उसे गिफ कहा जाता है। फिर एक बार बताओ, इसे गिफ या जिफ, दोनों सही है, जो इस्तेमाल करें वो आपकी मर्जी, लेकिन दोनों सही है। नेक्स्ट है जे पी ई जी। ये अक्सर फ़ोटो वगैरह जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो या दिस टाइप जो फ़ोटो हम लोग, उसमें जे पी ई जी लिखा रहता है, उसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट पी एन आर, ये तो आप ज़रूर देखे होंगे, जो लोग ट्रैवलिंग किया है ट्रेन में या उसका टिकट लिए, टिकट में ये लिखा रहता है पी एन आर, तो उसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। हर एक का डिटेल्स तो फ्रेंड्स इसे बताया नहीं जाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो चलिए मैं इसको फुल फॉर्म बता के निकल लेता हूँ। सिटी स्कैन, अक्सर हम लोग सिटी स्कैन के बारे में बोलते हैं, कितने हद तक इसको हम लोग समझते हैं, चले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। सिटी स्कैन का मतलब सी फॉर कंप्यूटराइज, टी फॉर टोमोग्राफी स्कैन, स्कैन का तो स्कैन ही है। नेक्स्ट है पी सी ओ, ये पहले हुआ करते थे अब नहीं है, इसका फुल फॉर्म है पब्लिक कॉल ऑफिस। नेक्स्ट है एम आर आई, ये भी डॉक्टर से रिलेटेड है। एम फोर होता है मैग्नेटिक, आर फोर होता है रेसोनेंस, आई फोर होता है इमेजिंग। नेक्स्ट वर्ड है बी पी एल, ये तो अक्सर लोगों ने सुना होगा कि बी पी एल क्या है, ए पी एल क्या है, तो बी पी एल का जो फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ए एम और पी एम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइम में, ए एम किसको कहेंगे, ए एम का फुल फॉर्म क्या है,
तो एएम का फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियन, और पीएम, पीएम का फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियन। नेक्स्ट टीआरपी, ये अक्सर न्यूज वाले जो हैं अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी चीज़ को लोग बयान करते रहते हैं, कभी कभार वो मजहब के नाम पे लड़ा देते हैं और दिस दैट के नाम पे लड़ा देते हैं, लेकिन ये बात हम लोग सुनते हैं सिर्फ कि टीआरपी, या कि टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए, टीआरपी का फुल फॉर्म है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। जैसे कोई बच्चा गेम खेलते हैं तो गेम में उसको पॉइंट मिलता है, सेम उसी तरह से उन लोगों को जितना उन लोगों की चैनल को चलाया जाए चले तो उसका जो रेटिंग पॉइंट है वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट वर्ड का नाम भी आप सुने होंगे MBBS, इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट PhD, PhD का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ये फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग TT बोलते हैं, लेकिन वो TT नहीं होता, TTE है। TTE जो ट्रेन वगैरह में रहते हैं उसको हम लोग TT बोलते हैं, लेकिन TTE है वो एक्चुअल में। तो उसका फुल फॉर्म है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, जो टिकट चेक करते हैं, जो ट्रेन में सफ़र किए होंगे वो अच्छी तरह से जानते हैं, और बिलखसूस जो नहीं टिकट बनाते हैं वो ट्रेन में चला जाता है तो उसकी हालत तो समझ लेते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट है SMS, SMS सब बोलते हैं लेकिन SMS का फुल फॉर्म कम लोगों में पता होते हैं कि SMS का फुल फॉर्म क्या है। चलिए, तो इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ, IQ का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन HDFC, ये नाम तो आप जरूर सुने होंगे, ये काफ़ी मशहूर नाम है, ये एक बैंक है। चलिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वर्ड है ICICI, ये वर्ड भी बैंक से ही रिलेटेड रखते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी इसका जरूर कमेंट में आप लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।